Assalamualaikum friends, welcome back to my channel. So, in today's video, we will make chicken momos. Chicken momos are a very tasty dish, which the covering is very soft and the inside is very juicy filling. So, first of all, I have taken flour. I have taken 1 cup of flour. This is the outside momos, which the covering is very soft. And we will knead it well. We have to add water in it. We have to add a little bit of water in it. And knead it well. If you want, you can स्पून आप ऑयल भी डाल सकते हैं अगर आप इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ रहे हैं तो आप इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं आपको बहुत ही सॉफ्ट सा डो बनाना है इसका तो हमारा डो बनके तैयार हो गया है अब हम हमारी फिलिंग बनाने की हमारी जो स्टफिंग है वो बनाने की तैयारी करते हैं तो उसके लिए मैंने कोरिएंडर लिया है मैंने स्प्रिंग अनियंस लिए हैं मैंने 1 से 2 टेबलस्पून सॉल्ट लिया है 2 से 3 ग्रीन चिलीज लिए इसको हमें अच्छे से चॉप करना है मैंने ऑलिव ऑयल लिया है 2 टेबलस्पून आप चाहे तो कोई भी रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं मैंने अनियंस लिए हैं चॉप्ड और मैंने 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर दिया है साथ ही मैंने 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट लिया है बनाने के लिए तो उसके बाद मैंने चिकन लिया है मैंने इसको अच्छे से मिंस किया है 300 ग्राम मैंने चिकन लिया है और चिकन लेने के बाद हमें हमारी जो स्टफिंग है वो तैयार करनी है तो इसमें हमारे जो सारे स्टफिंग के मटेरियल्स हैं वो हमें ऐड करने हैं मैंने कोरिएंडर स्प्रिंग अनियंस और उसके बाद ग्रीन चिलीज और अनियंस को हमें बहुत छोटा-छोटा बहुत बारीक हमें इनको काटना है तभी ये चिकन के साथ मिलके अच्छे से टेस्ट देंगे साथ ही हम सॉल्ट और ब्लैक पेपर पाउडर भी ऐड करेंगे और साथ ही मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप कोई भी रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं ये सारी चीजें ऐड करने के बाद हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है बहुत अच्छे से हमें इसको मिक्स करना है और ये सारी चीजें मिक्स करने के बाद हमें इसमें जो है गार्लिक पेस्ट मैंने 1 टेबलस्पून लिया है अगर आपके पास पेस्ट नहीं है तो आप नॉर्मली जो गार्लिक होता है वो डालें वो जो चाइनीज डिशेस होती हैं चाइनीज डिशेस में गार्लिक का जो बहुत अच्छा मेन रोल होता है चाइनीज डिशेस में तो इसलिए हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको अच्छे से और हम इसको थोड़ी देर के लिए 10 से 15 मिनट के लिए इसको साइड में रख देंगे अब हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है हमारा डो तैयार हो गया है अब हम हमारी जो चिकन सॉरी मोमोज बनाने की प्रिपरेशन है वो बनाएंगे चिकन की मोमोज की जो आउटर करिंग होती है वो आप दो तरीकों से बना सकते हैं आपको थोड़ी सी बड़ी बॉल लेनी है बॉल साइज्ड आपको डो लेना है फिर आपको इसकी जो है आप रोटी जैसी चपाती जैसी बना सकते हो अच्छे से आप चपाती बनाओ और उसके बाद इसके बीच में जो है कोई भी शार्प कटोरी लेके इसके सेंटर में काट दो और आपके जो मोमोज का आउटर कवरिंग है वो आप ऐसे बना सकते हो अगर आपको ऐसे अगर आप ऐसे नहीं बनाना चाहते हो तो आप दूसरे तरीके से बना सकते हो आपको छोटी से थोड़ी सी छोटी बॉल साइज लेनी है आपको डो लेना है थोड़ी सी छोटा बॉल साइज का उसके बाद इसको हल्का सा आपको मैदा जो है उसमें डस्ट करना है और फिर इसको अच्छे से रोल करना है याद रहे आपको इसको अच्छे से बड़ा सा रोल करना है क्योंकि जो मैदा होता है उसमें ये टेंडेंसी होती है कि वो वापस से श्रिंक हो जाता है तो आपको इसको अच्छे से जो है रोल करना है और जब तक ये थोड़ा सा बड़ा नहीं हो जाता आप छोटा अगर बनाएंगे तो बहुत जल्दी श्रिंक हो जाएगा और मोमोज जो है वो उसकी जो स्टफिंग है वो बाहर आ जाएगी तो इसलिए आपको थोड़ा सा बड़ा इसको रोल करना है जब ये तैयार हो जाए उसके बाद हमें जो हमारी स्टफिंग है वो हम इसमें फिल कर देंगे इसके सेंटर में हम जो हमारी स्टफिंग है इसके सेंटर में फिल कर देंगे और उसके बाद जो है इसको हम प्लीट बनाना स्टार्ट करें इसके प्लीट्स बनाएंगे हम ये इसको आप पहले एक साइड से इसके प्लीट्स बनाएं एक साइड से जब बनाए उसके बाद दूसरे साइड से इसके प्लीट्स बनाएं और ऐसे ही आपको पूरे मोमोज के जो इसके जो बाहर इसके जो बिल्कुल आउटर रिंग्स ही होती है उसमें आप ऐसे प्लीट्स बनाएं और प्लीट्स बनाने के बाद आप इसको अच्छे से सील कर दें मोमोज को हमने प्लीट्स बना दिए और हम इसको अच्छे से टाइट सील कर देंगे और हमारे जो मोमोज हैं वो तैयार हो गए हैं ऐसे ही आपको जो है आपके सारे मोमोज बनाने हैं मैंने ऐसे ही मेरे सारे मोमोज तैयार हो गए हैं उसके बाद जो है हमें इनको अब स्टीम देना है स्टीम देने के लिए मैंने यहाँ पर राइस कुकर लिया आप चाहे तो कोई भी जो पॉट ले सकते हैं कोई भी पतीला ले सकते हैं और उसमें छानी सी जो होती है वो डाल सकते हैं तो आप जिस पे भी आप जो छानी सी होती है आप अगर आप उस पे रखते हो तो आप उसको अच्छे से ऑयल से ग्रीस करें क्योंकि जो मोमोज जो हैं वो स्टीम होने के बाद स्टिक हो जाते हैं तो मेक श्योर कि आप हल्का सा इसको ऑयल से ग्रीस करें उसके बाद हम स्टीमर के ऊपर हमारे जो मोमोज हैं वो रखेंगे और इनको हम 10 से 15 मिनट के लिए हम इनको
10 से 15 मिनट के लिए हम इनको अच्छे से स्टीम देंगे. जब ये मोमोज तैयार हो जाते हैं तो इनके जो जो इनके ऊपर की जो कवरिंग होती है वो बिल्कुल सॉफ्ट सी और शाइनी सी लगती है, बिल्कुल ग्लॉसी सी शाइनी सी इनकी जो ऊपर की कवरिंग होती है बिल्कुल ऐसी शाइन देती हैं. तो इसका मतलब कि जो हमारे जो मोमोज हैं वो अब तैयार हो गए हैं और अब हम इनको निकालेंगे और हम इनको अच्छे से सर्व करेंगे और हम इनको अच्छे से टेस्ट करेंगे और ये बहुत टेस्टी बनते हैं बिलीव मी और बहुत ईजी है इनको बनाना. तो आप भी इनको घर पर बनाए, मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी. अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.